दोस्तों भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में से एक पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से नवरथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और प्रभु बलभद्र जी विराजमान होते हैं। जब भी इस मंदिर में कोई त्योहार होता है तो इसमें मिनिमम 30,000 से लेकर 1,000,000 तक के डिवोटीज आते हैं, और ये सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से होते हैं। इस मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ को दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। भगवान के भोग में 56 प्रकार के आइटम्स होते हैं, जिसे हम 56 भोग भी कहते हैं। 56 भोग की प्रत्येक डिश सीजन और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए भगवान जगन्नाथ का भोग भी अलग अलग होता है। वे गर्मी में अलग डिश खाते हैं तो सर्दी में अलग डिश खाते हैं। भगवान के भक्त इसी तरह भगवान की हर एक छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं, चाहे उन्हें खाना खिलाना हो, चाहे उन्हें घुमाना हो या फिर उनके वस्त्र बदलने हो। प्रभु जगन्नाथ के भक्त प्रभु के लिए नंगे पैर खड़ी दोपहरी में हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये सिर्फ मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका नमूना आप जगन्नाथ रथ यात्रा में देख सकते हैं। जब रथ यात्रा होती है तो भयंकर धूप होती है, चारों तरफ पानी के फव्वारे चल रहे होते हैं, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक भक्त सिर्फ इसी होड़ में लगा होता है कि वो किसी तरह उस रस्सी को टच कर ले या फिर खींचने को मौका मिल जाए जो भगवान जगन्नाथ के रथ से जुड़ी हुई है। रथ यात्रा वाले दिन भगवान जगन्नाथ तकरीबन 15 दिनों के बाद बाहर निकलते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं और अपने रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार के भगवान जगन्नाथ के तकरीबन 25 रहस्य बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। आपकी ही तरह मैं भी भगवान जगन्नाथ का एक बहुत बड़ा भक्त हूं। खैर मैं हूं आपको दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के पहले रहस्य की बात करते हैं। कब बना था ये मंदिर? जगन्नाथ मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के 9 पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण 2 ईसा पूर्व में भी हुआ था। यहां पर स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। जगन्नाथ मंदिर का दूसरा रहस्य नील माधव के रूप में पूजा होती है। दोस्तों ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का तीसरा रहस्य श्रीहरि पूजे गए श्री राम के रूप में। दोस्तों पुरुषोत्तम हरि को यहाँ पर भगवान राम के रूप में भी माना गया है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इच्छुआक वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी में श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। जगन्नाथ मंदिर का चौथा रहस्य श्री कृष्ण बने जक्केनाथ जगन्नाथ। दोस्तों बाद में नील माधव को श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में भी पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक कथा है जिसे आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर का पांचवा रहस्य मंदिर की रक्षा करते हैं महाबली हनुमान। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदती का जल धोता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा करते हैं महादेव। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं पर आकर गिरा था, तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा की जाती है। शंख के तीसरे घेरे में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर का छठा रहस्य मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा। दोस्तों दुनिया का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान है।
और वह भी लकड़ी की। हर 16 से 18 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे भी एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ मंदिर का सातवां रहस्य, हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। ऐसा किस कारण से होता है या तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन शाम के समय में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और वो ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे देखने वाले भी देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर भगवान शिव जी का चंद्रमा बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का आठवां रहस्य, गुंबद की छाया नहीं बनती। दोस्तों, मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय नहीं बनती, या फिर यूं कहें कि मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया अदृश्य रहती है। जगन्नाथ मंदिर का नवा रहस्य, भारत का सबसे भव्य मंदिर। दोस्तों, ये भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। ये मंदिर 4,00,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। जगन्नाथ मंदिर का दसवां रहस्य, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से यदि आप जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही लगा हुआ दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है और अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का ग्यारहवां रहस्य, हवा की दिशा। दोस्तों, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। भाई गजब महिमा है जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ पुरी का बारहवां रहस्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। दोस्तों, मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता, ये एक नो फ्लाई जोन है। मंदिर के शिखर के आसपास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों, गुम्बदों या फिर मस्जिदों पर पक्षी बैठे हुए या फिर उसके ऊपर उड़ते हुए दिख जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ पुरी मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई जो अब तक कभी नहीं हो रही थी, तो वो जगन्नाथ भगवान का एक संकेत है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर कोई पक्षी अचानक उड़ता हुआ दिखता है या फिर मंदिर पर बैठ जाता है, तो वहाँ के भक्त भगवान जगन्नाथ का कोई संकेत मानते हैं। और 80% ये बात सच भी है। जगन्नाथ मंदिर का तेरहवां रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 2,00,000 भक्त यहाँ पर कर सकते हैं भोजन। दोस्तों, मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष रहती है। प्रसाद का एक भी दाना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों के लिए बनता है। लेकिन कहा यह जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद उनके भक्तों के लिए कम नहीं पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर का चौदहवां रहस्य, अजीब तरीके से ही पकता है चावल। दोस्तों, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी के बर्तनों में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन पर बनने वाला प्रसाद सबसे जल्दी पकता है, फिर क्रमशः उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और इसी तरह सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे लास्ट में पकता है। तो है ना ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार। जगन्नाथ पुरी मंदिर का 15वां रहस्य, समुद्र की ध्वनि। दोस्तों, मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप समुद्र द्वारा आने वाली आवाजों को सुन नहीं पाएंगे। ये मंदिर गजब का साउंड प्रूफिंग का एक नमूना है। हम अपने स्टूडियो में चारों तरफ अजीब तरीके के सोपता लगाते हैं और चीजों से भरते हैं ताकि कमरे से गूंज ना आए या फिर कोई आवाज अंदर या बाहर ना जा सके, लेकिन ये मंदिर इतने पुराने समय में भी इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इस मंदिर में पहुंचते ही आपको बाहर से आने वाला कोई भी शोर सुनाई नहीं देगा। सिर्फ वही आवाज आपको सुनाई देगी जो मंदिर में हो रही आरती या फिर आसपास के लोग होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का 16वां रहस्य, बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। दोस्तों, इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी और अंदर आते ही वो सारी गंध गायब हो जाएगी। जगन्नाथ मंदिर का 17वां रहस्य, रूप बदलती है मूर्ति। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा जी विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ लकड़ी की मूर्तियाँ बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है नवकलेवर, तब नई मूर्तियाँ
मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुरानी मूर्तियों के साथ रिप्लेस की जाती हैं। और जो मूर्तियां रिप्लेस होती हैं उन मूर्तियों का साइज, रंग सब कुछ सेम होता है। और एज यूजुअल भगवान के भक्त हम सभी वही होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का 18वां रहस्य, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों, आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुनीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ सर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ ताल ध्वज है। दोस्तों, पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर का 19वां रहस्य, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा। दोस्तों, माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ पर समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे, तो वे भी प्रभु के पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए चले आते थे। केसरी नंदन हनुमान जी की आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ पर स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया, यानी कि बांध दिया था। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का 20वां रहस्य, हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को भीतर जाने से रोक दिया। दोस्तों, एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहाँ से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में आती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज को रोकने को कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, ये असंभव है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त या फिर विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट दिया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना जो समुद्र की ध्वनियों को मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के बाहर ही घूमती रह गई। और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का 21वां रहस्य, पांडवों ने किए थे यहाँ पर दर्शन। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी, 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक की यात्रा निकलती है। जगन्नाथ मंदिर का 22वां रहस्य, स्वर्ण दान। दोस्तों, महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से भी कहीं अधिक था। जगन्नाथ मंदिर का 23वां रहस्य, ईसा मसीह भी यहां आए थे प्रभु के दर्शन करने। दोस्तों, कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर का 24वां रहस्य, गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध। दोस्तों, इस मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पहले भी मंदिर को कई बार क्षति पहुंचाई गई है। जगन्नाथ मंदिर का 25वां रहस्य, मंदिर के रहस्य। दोस्तों, कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ पर कई रहस्यमय किताबें, ग्रंथों के साथ साथ खजाना भी छुपा हुआ है। एक ऐसा भी समय था जब सैकड़ों वर्षों के लिए ये मंदिर रेत में दबा हुआ था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे किसी दिन किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।